बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डीयर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती पर बलाउल फेर देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट में नया मामला रिजल्ट रोकने की जो अपील है बी अभ्यर्थियों की तरफ से वो कायम कर दी गई है बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी के जो प्रमाण पत्र है उनसे जुड़ी बड़ी अपडेट पर भी बात करेंगे आखिरकार जो सर्टिफिकेट है उन पर बी अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी कल आपने देखा था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में सफल प्राथमिक शिक्षकों की एक से पांच की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है कि विभाग ने कहा है कि सुबह साढ़े नौ बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी जो कई चरणों में चलेगी विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वो विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक देख लें उनकी काउंसलिंग किस चरण में है इसके बाद वो तय तिथि को ही काउंसलिंग के लिए सफल अभ्यर्थी उपस्थित हों ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न बढ़ सके जैसा की आप जानते हैं डीयर की बिहार की शिक्षक भर्ती में कल बीपीएससी की तरफ से केवल डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया लेकिन जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उसमें अंतिम आदेश अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टिका हुआ है अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बी के फेवर में फैसला आता है तो पूरे रिजल्ट को पुनः प्रभावित कर देगा ऐसा भी बीपीएससी के जो चेयरमैन है लेकिन उससे पहले जैसे ही कल ये रिजल्ट आया था तो बी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टे की मांग के लिए एक और याचिका दायर कर दी गई और वो भी याचिका दीपांकर गौरव की तरफ से ही लगाई गई है और उनके जो एडवोकेट है वर्धमान कौशिक

क्या करेंगे बी के लिए ये या तो आप सही उत्तर दर्शा दीजिए या महोदय इस भर्ती प्रक्रिया पर, पर पूरी तरीके से स्टे लगा दीजिए इस तरीके का एक मामला नया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार प्राइमरी टीईटी के चार लाख तिरा, तिरालीस हजार प्रमाण पत्र अभी भी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के पर्सदी स्कूलों में पांच साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यूपी टी टी प्राथमिक स्तर के लगभग साढ़े चार लाख प्रमाण पत्रों में कानूनी दाव पेच में फंसे हुए हैं सबके बीच बेरोजगारों में कहीं ना कहीं हताशा है कि टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर के ना कोई न्यूज दी जा रही है ना कोई हलचल दिखाई जा रही है

किया जा रहा है तो ये था जगत हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा शिक्षा जगत की ऑथेंटिक की अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत